तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक और नया बोर्ड जो है लॉन्च हो रहा है आपके सामने, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं रखा हुआ। तो काफी सारे लोगों जो रिक्वायरमेंट होती थी कि सर ये जो टोन है ये हमारी बोर्ड की जगह हमें आगे लगानी होती है, तो इसमें वायर एक्सटेंड करके आप हमें दे दीजिए या फिर आप हमें वायर के कनेक्शन करके टोन के साथ हमें जोड़कर दे दीजिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पर आपके लिए जो है यहाँ पर वायर के साथ और ये टोन प्रॉपर पीसीबी वाला वर्क करके ये आप लोगों के लिए आ चुका है नया बोर्ड 2.1 के अंदर। ठीक है, हाँ जी हाँ, ये जो बोर्ड है ये 2.1 है, कहने का मतलब इसमें लो पास फिल्टर और प्लस बीटी दोनों चीजें इसके अंदर इनबिल्ट है। तो इससे अगर आपको स्पीकर का आउटपुट लेना है, बेस ट्रिबल मिड तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं। बेस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बेस, ये मिड और ये ट्रिबल। ठीक है, ये बेस, ये मिड, ये ट्रिबल है और यहाँ पर मेन वॉल्यूम है आपकी और ये हो जाता है आपका सबवूफर का आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये नया बोर्ड अब जो है एमवी कलेक्शन के पास मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके कनेक्शन बता देते हैं, काफी इसको लॉन्च करे हुए काफी दिन हो गए हैं, व्हाट्सएप पे हमने बता दिया था लेकिन यूट्यूब पर इसकी वीडियो नहीं डाली थी, जिससे कि काफी सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि सर इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, कनेक्शन कैसे करने हैं वो बता दीजिए एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड अभी फिलहाल में ऑन है, सारा सेटअप ऑन है लेकिन हमिंग का कोई भी नामो निशान नहीं रहता है इस बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको तीन पिन का कनेक्टर दिखता है जहाँ पर आपको 12-0-12 एसी वोल्टेज देना होता है। ठीक है, डीसी नहीं, एसी वोल्टेज देना होता है। और सबसे ज़्यादा इसकी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको रेगुलेटर आईसीज भी मिलती हैं, 78-12 और 69-12 दोनों लगी हुई हैं, जिससे कि आपके जो है बीटी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वोल्टेज की वजह से, कि वोल्टेज अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपकी आईसी है वो उसको अच्छे से ड्रॉप करके प्रॉपर आईसी का वर्क करा हुआ है, जिससे कि ये एकदम अच्छे से वर्क करता रहे। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 55-32 आईसी इसके अंदर यूज़ करी गई हैं, 45-58 नहीं 55-32 तीन आईसी यूज़ करी हैं, एक लो पास फिल्टर के लिए और दो आईसी जो है हमारे मिड बेस ट्रिबल के लिए यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे कि ये कनेक्टर किस चीज़ के लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर है यहाँ पर आपको देना होता है ऑडियो इनपुट, जो कि आप किसी मॉड्यूल से, इस तरह के मॉड्यूल से या फिर किसी और बोर्ड से जिससे भी आप इनपुट देना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर 3 पिन वाले कनेक्टर से इनपुट आप दोगे यहाँ पर, और यहाँ से इनपुट देने के बाद आउटपुट आपको मिलता है यहाँ पर। यहाँ से आपको ऑडियो का आउटपुट मिल जाता है इस वाले कनेक्टर से, यहाँ से आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कनेक्टर के पीछे आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ऑडियो आउटपुट मिल जाता है जिससे कि आपका साउंड निकलेगा, आवाज़ वाला जो है आउटपुट आपको आएगा। और यहाँ पर से आपको जो है लो पास फिल्टर, यहाँ पर लिखा हुआ सब आउटपुट, तो यहाँ से आपको सबवूफर की वॉल्यूम आउट मिलती है, जैसे कि आप जो भी सबवूफर चला रहे हैं तो उसके लिए आउट आपको यहाँ से मिलेगा और ऑडियो के लिए आउट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये सबवूफर का सेक्शन है और ये आपका ऑडियो का सेक्शन रहता है और ये सप्लाई का सेक्शन रहता है जिसमें रेगुलेटेड सप्लाई आपको प्रॉपर दी गई है। तो ये हैं इसके नॉर्मल से कनेक्शन, बाकी ये आपको वायर और टोन इसके साथ ही मिलती है। टोन ये इस तरह से प्रॉपर पीसीबी और ये सारी वायर्स आपको साथ में मिलती है, जिससे कि आपको किसी भी कैबिनेट में फिट करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा चलाकर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको चल जाएगा पता कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी सॉन्ग थोड़ी देर चलाएंगे और इससे ज़्यादा देर जो है नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम खोलते हैं, तो अभी आपको मिल रहा है ऑडियो आउटपुट। इसको अब हम जो इनपुट है जो कि हमने क्लास जी 400 वाट अपना यूज़ कर रहे हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये इनपुट की वायर है, तो इसको हम लगा देते हैं लो पास के अंदर। तो यहाँ से आपको सबवूफर का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब अब मैं इसको जगह स्पीकर की जगह यहाँ से आउटपुट में स्पीकर में जो है हमारे सबवूफर को कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि स्पीकरों में जो बेस है वो प्रॉपर नहीं आती है। ये मैंने सबवूफर लगा दिया यहाँ पर और ये ऑडियो जो इनपुट है ये हम सब लो पास फिल्टर में लगा देंगे इसके जो 0.1 चैनल है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बेस आ रही है, बिल्कुल भी जो ऑडियो था बिल्कुल वो कट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेस की ही आवाज मिलेगी। तो ये आप इसमें कनेक्शन आप समझ गए होंगे, तो बहुत ही ईजी है, कोई भी बिल्कुल भी कोई भी मोटी चीज नहीं है कि भाई आपको जो समझ में ना आए। ठीक है, तो जैसे ही और बीटी होते हैं, जैसे कि हमारा दूसरा 2.1 है जिसके अंदर आपको पूरी जो है नॉब लगी हुई मिल जाती है, उसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अपनी अलग है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कस्टमर पूछने लग जाते हैं जी इससे ये बढ़िया कौन सा बढ़िया है, ये वाला बढ़िया या वो वाला बढ़िया है। तो जिसको टोन के आगे निकली हुई चाहिए, जिसको टोन वायर वाली चाहिए, इस तरह से चाहिए, जैसे कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको एक बार। और ये सारे आपको कनेक्टर्स जो है साथ में प्रोवाइड करे जाते हैं जो भी आपको इस बीटी साथ लगने वाले हैं। तो जिसको भी इस तरह से टोन वायर्स लंबी वाली चाहिए, जिसको कैबिनेट में आपने फिट करना है, तो वो इस वाली बीटी को खरीद सकता है, जो कि फ्लिपकार्ट और आपको व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है क्योंकि वहाँ पे अदर चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं, या फिर आप सीधा सीधा आप व्हाट्सएप से खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है रेट में फायदा मिलेगा, रेट में थोड़ा सस्ता मिलेगा। आप देखेंगे वायर वायर हर चीज़ की एकदम क्वालिटी, क्योंकि आप एमवी कलेक्शन से ले रहे हैं तो आपको केल्ट्रॉन के कैपेसिटर, 1% रेजिस्टेंस, इसके अलावा मतलब हर एक चीज़ में क्वालिटी के में जरा से भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलने वाला है।
अगर आप एमवी कलेक्शन से परचेज कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इस वीडियो में जो यूज करा गया था जो जो सामान वो सारा आप खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट हो गया, कैफेटर हो गया, या फिर आपको 400 मोनो या फिर क्लास जी के अदर बोर्ड चाहिए, जो कि हमारे पास बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत सारी वैरायटी के बोर्ड हैं, हमारी जितनी वैरायटी कोई भी नहीं बनाता है क्लास जी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जरूर कमेंट कर देना आई लव एमवी कलेक्शन।